एक बार एक व्यक्ति जीवन में अपनी असफलताओं से हताश होकर चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी निराशा देख भगवान स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने भगवान से पूछा, मैंने अपने जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करी लेकिन मुझे अब तक सफलता नहीं मिली। मैं लगातार असफलता प्राप्त करते जा रहा हूं। अब आप ही बताइए कि मेरे जीवन की भला क्या कीमत है। इस पर भगवान मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उसे एक लाल चमकदार छोटा सा पत्थर थमा दिया। व्यक्ति ने पूछा, इस पत्थर का मैं क्या करूं? ईश्वर ने कहा, तुम इस पत्थर को लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत जानकर आओ। ध्यान रखना, इस पत्थर को बेचना नहीं है। ईश्वर के कहे अनुसार वह व्यक्ति उस लाल चमकदार पत्थर को लेकर बाजार में उसकी कीमत ज्ञात करने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसे राह पर एक संतरा बेचने वाला आदमी दिखता है। वह सबसे पहले उस आदमी के पास जाता है और उससे पूछता है, भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर की क्या कीमत दोगे? संतरे वाला पत्थर की सुंदर रंगों को देखकर कहता है, तुम इस पत्थर के बदले मुझसे 5-6 संतरे ले सकते हो। व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो इस पत्थर को बेचना नहीं है। यह कहकर वह आगे बढ़ जाता है। आगे राह में उसे एक सब्जी वाला दिखता है। उस सब्जी वाले से वह पूछता है कि भाई तुम इस लाल रंग के पत्थर को कितने में खरीदोगे? सब्जी वाला भी उस पत्थर की खूबसूरती से आकर्षित होकर कहता है कि तुम्हें इस पत्थर के बदले मैं 1 बोरा आलू दे सकता हूं, बताओ बेचोगे इस पत्थर को? व्यक्ति कहता है, नहीं मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना है। अब वह व्यक्ति सीधे एक सुनार की दुकान चला जाता है। सुनार के दुकान में बहुत बेशकीमती खूबसूरत गहने पड़े हुए थे। वह व्यक्ति अब सुनार को पत्थर दिखाते हुए पूछता है कि इस पत्थर की क्या कीमत लगाओगे? सुनार बहुत ध्यान से उस पत्थर को देखता है। अंत में वह कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे सकता हूं। लेकिन वह व्यक्ति बोलता है कि मुझे इस पत्थर को नहीं बेचना। सुनार को लगता है कि शायद दाम कम बता रहा हूं, इसलिए वो पत्थर बेचने से मना कर रहा है। इसलिए सुनार पत्थर की कीमत बढ़ाकर 2 करोड़ कर देता है। लेकिन वह व्यक्ति तब भी यही कहता है कि मैं इस पत्थर को बेच ही नहीं सकता। सुनार की दुकान से निकलकर वह व्यक्ति अब हीरे की दुकान में घुसता है, जहां पर बहुत बेशकीमती रत्न पड़े हुए थे। व्यक्ति हीरे के दुकानदार को पत्थर दिखाते हुए इसकी कीमत पूछता है। हीरे का व्यापारी लगभग 10 मिनट तक पत्थर को बहुत ही बारीकता से जांचता है और अंत में वह एक मलमल के कपड़े में उस पत्थर को रखकर उसके सामने अपना सिर टेक लेता है। व्यक्ति पूछता है, इसकी कीमत कितनी है? तब हीरे का व्यापारी कहता है, अरे भाई ये तुम्हें कहां से मिला? ये तो दुनिया का अनमोल रत्न है, जिसे तो दुनिया की पूरी दौलत भी लगा लो ना, तभी भी नहीं खरीदी जा सकती। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हो जाता है और वह सीधे ईश्वर के पास जाता है और सारी की सारी घटना भगवान को बताता है। उसके बाद पूछता है कि ईश्वर अब तो बताइए कि मेरे जीवन की कीमत क्या है? तब ईश्वर कहते हैं कि संतरे वाले, सब्जी वाले, सुनार वाले और हीरे वाले सभी ने तो तुम्हें तुम्हारे जीवन की कीमत बता दी है। व्यक्ति कहता है, मैं समझा नहीं। तब ईश्वर उसे विस्तार पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि तुम किसी के लिए पत्थर के टुकड़े के समान हो, तो किसी के लिए अनमोल रत्न। जिस तरह सबने अपनी अलग अलग जानकारी के हिसाब से इस पत्थर की कीमत बताई, लेकिन उस हीरे के व्यापारी ने इस पत्थर की असली पहचान की है, ठीक उसी तरह इस दुनिया में तुम कई लोगों के लिए एक मामूली इंसान हो, भले ही तुम में कितना भी हुनर क्यों ना हो, लेकिन वक्त के साथ यह हुनर जरूर निखर कर आता है। तुम्हें बस परिश्रम और धैर्य की जरूरत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मनुष्य को खुद पर विश्वास रखना चाहिए। यदि व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं है तो उसके जीवन की कीमत कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसे खुद पर विश्वास होता है और वह परिश्रम करता है तो एक दिन हीरे के व्यापारी के तरह उसकी कीमत लोगों को समझ आने लगती है।